Hi everyone, once again I welcome back all of you on our platform Let's Dream Together. और आज है हमारा डे 16 और डे 16 में आपके टारगेट्स क्या रहने वाले हैं तो एक बार हम देख लेते हैं. नोट डाउन कर लीजिएगा और डे 16 पे इनको कंप्लीट करने की 100% अपनी तरफ से कोशिश करनी है. सो इंग्लिश में आपको वही कंटिन्यू करना है जो हम दो दिन से कर रहे हैं, दैट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. 20 वर्ड आपको क्लियर करने हैं और फॉलो कर सकते हैं आप नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 जो बुक है वो. और उसके बाद आपको जनरल नॉलेज में स्टार्ट करना है फरवरी 2023 का करंट अफेयर. ऑलरेडी हम मार्च से जुलाई तक का करंट अफेयर कवर कर चुके हैं लास्ट 15 दिनों में और आज जो है आपको शुरू करना है फरवरी का करंट अफेयर. और उसके बाद हिंदी में आपको जो आपका टॉपिक चल रहा है दो दिन से, दैट इज संधि, आज उसको अच्छे से बाइंड अप कर दो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है. और उसके बाद रीजनिंग में आपको करना है जो आपने टॉपिक किया था लास्ट डे, दैट इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, उसकी प्रैक्टिस करनी है. क्वेश्चंस आई होप आपने कल जो है कंसेप्ट क्लियर कर लिया होगा. और इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग का, दैट इज फिगर काउंटिंग. तो ये सब जो है आपको डे 16 पे करना है और विदाउट मेकिंग एनी एक्सक्यूज टू योरसेल्फ, खुद से कोई लेम एक्सक्यूज बनाना, ठीक है, तो वो नहीं करना है. डेली टारगेट्स को करते रहिए. एक दिन अचानक ऐसा होगा, वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, पास जो है सफिशियंट टाइम नहीं बचेगा टू प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स और वो भी डिटेल में अच्छे से प्रैक्टिस के साथ. सो अभी जो है मैं आपको जो है डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रही हूँ कि वे में आपको पढ़ना है, एक सही दिशा में आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और उनको मैनेज करना काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट होता है अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ेंगे. तो आप देख रहे होंगे कि हम रीजनिंग और हिंदी के सिलेबस को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने ही वाले हैं और हमने इंग्लिश और जीके में अराउंड 8-10 मार्क्स का भी जो है हमारा जल्द ही कवर हो जाएगा और इंग्लिश हम शुरू कर चुके हैं. ऐसे ही हम मैथ्स को धीरे धीरे ऐड करेंगे. तो जब तक जो है बने रहें और डेली अपने टारगेट्स को पूरा करें, एक भी दिन वेस्ट मत करिए. That's all about today. Thank you. Have a good day.